फिरिंची कार देखने मिलेगी आपको, और इसके अंदर आपको बहुत सी कार दिखाने मिलेगी जो अलग अलग कार्स की जो अभी रेंज में रहेगी, रेजा है, स्विफ्ट है, ऐसी बहुत सी कार देखने मिलने वाली है आपको। तो गाइस यही गाइस कीजिएगा, मत पहले वीडियो पूरी तरह से देखिएगा, और हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि न्यू चैनल को जिसे सब्सक्राइब नहीं किया तो न्यू चैनल पे जाइए, माई कार वर्ल्ड नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो गाइस लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा। तो गाइस ये आ गए हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको बताया था मैंने हैवी रेंज की गाड़ी बताऊंगा अबाउट 3 लाख रुपीज़। तो फर्स्ट गाड़ी ये जो है ये है हुंडई आस्टा i20, तो 2010 का मॉडल है। आपको गाड़ी की कंडीशन पहले बता दूँ आपको, और विथ सनप्रूफ है, अब सनरूफ देख सकते हो आप, सनरूफ है सामने, और आप देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन जो है, फ्रंट साइड एंड बैक, ये आपको तीनों ऑप्शन मैंने बता दिया है गाड़ी की कंडीशन, और ABS है। और साथ ही साथ आपको इंटीरियर बता दूँ, इंटीरियर में आप देख सकते हो डैशबोर्ड की कंडीशन, देख सकते हो डैशबोर्ड की कंडीशन बहुत अच्छे कंडीशन में है। सिस्टम जो लगा हुआ है वो कंपनी फिटेड जो था वही है, कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है। साथ में स्टेयरिंग कंट्रोल भी आप देख सकते हो, और साथ ही साथ आपको बैक साइड का भी पोर्शन बता दूं, तो बैक साइड का पोर्शन देख सकते हो आप। बैक साइड का पोर्शन आपको पहले अंदर से पूरी तरह से बता दूं, जो सीट्स कवर से लेके A to Z है बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। और आपको इंजन कंडीशन भी बता दूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस बार मैं आपको इंजन कंडीशन भी बताऊँगा अच्छी तरह से, तो आपको इंजन कंडीशन भी बता दूँ। ये देख सकते हो आप इंजन की कंडीशन, और बूस्ट कैपेसिटी आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप इंजन की कंडीशन देखिए। इंजन की जो कंडीशन है 2010 के हिसाब से बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, मैं एकदम हाई भी नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में है, जो हिसाब से उन्होंने गाड़ी मेंटेन की है अच्छे मेंटेन में किया हुआ है। और साथ ही साथ आपको बैक पोर्शन भी बता दूँ, आपको बैक पोर्शन का जो कैपेसिटी है जो देख सकते हो आप, देख सकते हो आपके जो आप यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ इसके अंदर एयरबैग्स का भी बता दूँ आपको, एयरबैग्स ऑप्शन जो है इसके अंदर 12 एयरबैग्स है, और 12 एयरबैग्स ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे एक सामने है, यहाँ पे भी लगा हुआ है एयरबैग्स, आप देख सकते हो एयरबैग ऑप्शन दिया हुआ है। आपको नहीं दिखे तो मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, बैक साइड में भी जो एयरबैग्स के दिए हुए हैं यहाँ पर भी एयरबैग्स का दिया हुआ है, और टोटल आपको 12 एयरबैग्स मिल रहे हैं इसके अंदर। और बैक साइड की कैपेसिटी भी आपको बता दिया, आप जो ज़्यादा सामान रख सकते हो, आप फैमिली के साथ कहीं बाहर जाते हो तब, और सनरूफ भी दिया हुआ है आप देख सकते हो। और गाइज अब बता दो पूरा डिटेल, तो जानते हैं पूरा डिटेल। तो गाइज़ ये है मोहित भाई जो हमको इस बार कार का ये डिटेल देने वाले है। तो मोहित भाई अभी ये कार का डिटेल क्या है? ये 2010 की है, i20 आस्था, ABS, 12 एयरबैग्स है इसमें, और स्टेयरिंग कंट्रोल, सनरूफ, और AC कंपनी डेक है। उसके बाद टायर रिप्लेस है, इंश्योरेंस वैलिड है 2020 तक। और ये कितना किलोमीटर चला है? ये 60,000 चला हुआ है। 60,000 चला हुआ है, तो ये 60,000 चला हुआ है, तो इसकी प्राइस डिमांड आपने क्या रखी हुई है? इसकी प्राइस हमने रखी है 265 ऑफर, फाइनल प्राइस 265। तो गाइस इसका फाइनल प्राइस 265 रखा हुआ है, इसके अंदर प्राइस लाइटली भी नेगोशिएबल नहीं है, तो ये फाइनल प्राइस है। उसके अंदर भाई फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है? इसके ऊपर फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इसके ऊपर फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है गाइस। आपको ये मिल रहा है 265 में, तो गाइस 265 के रेंज से चालू किया, मैंने आपको अबाउट 3 लाख बोला था, पर 265 रेंज से चालू हो रहा है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो गाइस ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2014 का ये मॉडल है, और ये प्योर पेट्रोल गाड़ी। आपको गाड़ी की कंडीशन देखिए, गाड़ी की कंडीशन पहले पूरी आपको साइड पोर्शन से और फ्रंट पोर्शन से बता दूं। आप बैक पोर्शन देख सकते हो, गाड़ी को वेल मेंटेन रखा हुआ है, वेल जो गाड़ी की कंडीशन है बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और ये बटन स्टार्ट है कार, ये जो देख सकते हो आप यहाँ पे बटन स्टार्ट दिया हुआ है, अब डायरेक्टली इंजन बटन स्टार्ट है। और साथ ही साथ डैशबोर्ड आप देख सकते हो, आप इसका इंटीरियर बता दो मैं अच्छे से पहले आपको,
तो आप देख सकते हो इसकी जो कंडीशन है, बहुत ही अच्छे कंडीशन में कार रखा हुआ है। और बैक साइड का पोर्शन भी देख सकते हो। ये जो मैं बताऊँ, वैष्णवी मोटर्स में वेल मेंटेन कार ही आती है, जो मेंटेनेंस कार रहती है ना, ये वही कार परचेस करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे हैवी रेंज के कस्टमर ज़्यादा करके आते हैं। इसकी वजह से ये लोग कार्स भी वैसे ही परचेस करते हैं जो कस्टमर को पसंद आए। तो बैक साइड का आप देख सकते हो, बैक साइड का पोर्शन, और आपको इंजन की जो इंजन का जो पोर्शन है वो भी बता दूँ आपको, तो आपको पता चल जाएगा इंजन की जो लाइफ है कितनी है यूज़ करने के लिए। तो आपको मैं इंजन बता दूँ कि इंजन की कंडीशन कैसी है, तो इंजन की कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस मैं आपको बता दूँ इसकी इंजन की कंडीशन क्या है। तो इंजन की कंडीशन आप देख सकते हो, इंजन की कंडीशन बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। 2014 का मॉडल, एंडिंग मॉडल है दिसंबर का, मतलब 2015 के आसपास ही समझ के चल लीजिए, 2015 का ही मॉडल समझ के चल लीजिए। गाड़ी की जो कंडीशन है बहुत ही औसम कंडीशन में है। आपको इंजन पोर्शन भी बता दिया, इंजन पोर्शन का आपको अंदर का पूरा कंफर्ट बता दिया। सील टू सील गाड़ी है ये। तो गाइस जानते हैं इसके डिटेल। तो भाई इसका डिटेल्स क्या है? इसका डिटेल है 2014 की है, ZX है टॉप मॉडल, ABS, पुश बटन स्टार्ट, स्टेयरिंग कंट्रोल है, कंपनी सिस्टम है, 30,000 चली हुई है सर्विस रिकॉर्ड के साथ, 30,000 सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली हुई है। और ये 2014 का मॉडल बोला, इसके अंदर फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है? फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसका आपने प्राइस डिमांड क्या रखा है सर? इसका प्राइस डिमांड रखा है 475। तो गाइस इसके 475 प्राइस डिमांड रखी हुई है। प्राइस लाइटली नेगोशिएबल है, अगर आप यहाँ पे विजिट करते हो तो वहाँ पे आपका प्राइस नेगोशिएबल हो जाएगा। साथ ही साथ आपको फाइनेंस फैसिलिटी मिल रही है, तो फाइनेंस में ले सकते हो। ये प्योर पेट्रोल कार है। और ये मिनिमम कितना आपने बोला चलाइए? ये 30,000 जीनियन सर्विस रिकॉर्ड के साथ है। तो आपको सर्विस रिकॉर्ड के साथ 30,000 चला हुआ मिल रहा है कार। अगर किसी को इंटरेस्ट रहे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर और एड्रेस दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, इनसे डायरेक्टली कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो गाइस ये है सेरोलेट की कैप्टिवा LT 2.2। और गाड़ी की आपको कंडीशन बता दूँ, पहले गाड़ी की कंडीशन आपको साइड पोर्शन से लेके फ्रंट पोर्शन पूरा बताओ। ये हैवी रेंज की कार है, मैंने आपको बताई थी, ये हैवी रेंज में आता है। और आपको बैक साइड का पोर्शन भी बता दूं, बैक साइड का पोर्शन देख सकते हो आप, आप देख सकते हो उसकी कंडीशन जो है वो। और आपको इंटीरियर बता दूं, तो आप इंटीरियर देख सकते हो गाइस, इसका डैशबोर्ड देख सकते हो, डैशबोर्ड फुली कंडीशन में है। और ये हैवी रेंज में कार आती है, आपको बता दिया मैंने। इसके अंदर डिस्प्ले देख सकते हो आप, यहाँ पे डिस्प्ले कंपनी फिटेड लगा हुआ है। और साथ ही साथ सीट कवर देख सकते हो आप, सीट कवर्स आपको जो ओरिजिनल कंपनी से लगा हुआ था वही है, कोई चेंजेस नहीं किए हुए है। और बैक साइड का आपको पोर्शन बता दूँ, आप देख सकते हो बैक साइड में आपको पोर्शन अच्छे से मिल रहा है। बैक साइड में फैमिली कार्स के लिए अच्छी है। और बैक साइड आपको और भी ऑप्शन मिल रहे हैं। स्पेस आप देख सकते हो बैक साइड का, बैक साइड का स्पेस भी बहुत अच्छा है इसका। और सेरोलेट की गाड़ी आपको पता है, इसमें हैवी रेंज में यही कार जो ज़्यादा चल रही है। तो गाइस जानते हैं पूरा डिटेल्स। तो मोहित भाई इसका डिटेल क्या है? इसका डिटेल है 2009 की है, और LT वेरिएंट है, और मैक्विल है, और मिरर बटन पे पुश बटन करोगे ना तो मिरर ओपन होंगे। हाँ, तो इसका कितना किलोमीटर चला है ये? ये 87,000 चला हुआ है, जेन्यून 87,000 मीटर जेन्यून चला हुआ है। पेट्रोल है, डीजल है? डीजल कार है। तो इसका आपने जो प्राइस डिमांड है वो क्या रखा हुआ है? प्राइस डिमांड रखा है हमने 550। 550 प्राइस नेगोशिएबल है? और लोन फैसिलिटी इसके ऊपर नहीं है? ओके, तो गाइज इसके ऊपर लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और प्राइस डिमांड रखा है 550,000, प्राइस नेगोशिएबल है। गाड़ी की जो कंडीशन है आप आके विजिट कीजिए, यहाँ पे देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी की कंडीशन क्या है क्या नहीं है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो गाइस ये है निशान टेरानो, और VIP नंबर के साथ है। और गाड़ी की जो कंडीशन आपको पहले फ्रंट और बैक ये पहले आपको बता दूँ, तो
साइड पोर्शन से आपको पहले बता दूँ, फ्रंट तो बता दिया आपको, साइड पोर्शन से बता दूँ और बैक पोर्शन में भी आपको दिखा दूँ कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, और साथ ही साथ ये VIP नंबर के साथ है। और आपको दिखा दूँ अभी इंटीरियर, इसकी इंटीरियर कैसी है, आप देख सकते हो गाइस इसका डोर, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंटीरियर जो कि बहुत ही औसम है। ये सब बड़ी कार में रेंज में मैं आपको बताया था कि इस बार बड़ी रेंज में आएगी। और यहाँ पे बैक साइड देख सकते हो आप, बैक साइड जो सामान रखने का है बहुत ही बड़ा है इसके अंदर। आप कहीं पे घूमने जाते हो तो ये गाड़ी यूज़ होती है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहती है सामान ले नहीं जा के पाते हो छोटी कार में, ये बड़ी कार इसके लिए रहती है। तो बैक पोर्शन भी आपको अच्छी तरह से बता दूँ, बैक पोर्शन भी देख सकते हो आप, बैठने के लिए कंफर्टेबल है एकदम अच्छे से। और गाइस आपको अभी जानते हैं इसका डिटेल, तो डिटेल जानने के पहले आप देखते हैं इसका इंजन, इंजन की कंडीशन क्या है। तो गाइस देख सकते हो इसकी इंजन की जो कंडीशन है वो आप देख सकते हो, तो सील टू सील गाड़ी है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंपनी के फिटेड है वही है, कोई चेंजेस नहीं, कोई एक्सीडेंटल कार नहीं है, गाड़ी फुली कंडीशन में है। तो गाइस जानते हैं पूरा डिटेल इसका, तो भाई इसका डिटेल क्या है? इसका डिटेल ये है, ये 2014 की है, 28,000 किलोमीटर चली हुई है, टॉप वेरिएंट है, XV जो 28,000 किलोमीटर चली है सर्विस रिकॉर्ड के साथ, जेन्युइन है। और इसका जो आपने बताया ऑनर कितना है, ये ऑनर फर्स्ट है, फर्स्ट ऑनर है, VIP नंबर है 8880, VIP नंबर है, 35,000 की स्लिप है वहाँ उसकी जो लिया, तो 8880 का आपने जो लिया है उसकी स्लिप भी है आपके पास। तो इसका आपने प्राइस रेंज क्या रखा हुआ है सर? इसका प्राइस रखा है 6.5, तो 6,50,000 इसका प्राइस रेंज रखा हुआ है। और इसके ऊपर फाइनेंस अवेलेबल है या नहीं है? फाइनेंस अवेलेबल है, तो गाइस इसके ऊपर फाइनेंस अवेलेबल है, 6,50,000 इसका प्राइस डिमांड रखा हुआ है। गाड़ी की जो कंडीशन है बहुत ही औसम कंडीशन में है गाड़ी, अगर किसी को इंटरेस्ट रहे तो आप विजिट कर सकते हो शॉप पे, मैंने इंजन से लेके आपको पूरा अंदर बाहर सब बता दिया है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और एड्रेस दिया हुआ है, आप विजिट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो गाइस ये है होंडा सिटी और लेटेस्ट मॉडल है सनप्रूफ वाला, और सनप्रूफ आपको देखने मिल रहा है, देखिए आप ऊपर देख सकते हो। और फ्रंट एंड बैक टेक आपको पहले बता दूँ, फ्रंट ऑप्शन देख लिया आपने, और साथ ही साथ पहले ये बता दूँ आप लाइट्स देख सकते हो, यहाँ पे डिजिटल लाइट एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, गाड़ी की जो लुक है बहुत ऑसम लुक दिख रही है उसकी वजह से। और साइड पोर्शन से आपको पहले बता दूँ कि साइड पोर्शन से कंडीशन क्या है, और बैक पोर्शन का आपको बता दूँ, बैक पोर्शन का इसमें प्रोजेक्टर लाइट्स लगाया हुआ है आप आगे साइड, और बैक साइड में आप देख सकते हो नीचे एक्स्ट्रा लाइटिंग लगाया हुआ है, आप देख सकते हो गाड़ी की जो कंडीशन है। और साइड पोर्शन और दिखा दूँ, और साथ ही साथ इंटीरियर दिखा दूँ, तो साइड पोर्शन से आपने देख लिया पूरी तरह से गाड़ी की कंडीशन। आप जानते हैं इंटीरियर, इंटीरियर में आप देख सकते हो जैसे ही डोर खोलते हैं सामने LED लाइट्स दिए हुए हैं, ये सब एक्स्ट्रा फिटिंग किए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो आपको टच, यहाँ पे फोकस मिल रहा है, आपको टच पैनल मिल रहा है जिसमें आप यूज़ कर सकते हो आपका जो सॉन्ग्स प्ले करना है, वीडियो देखना है। और डैशबोर्ड के साथ आपको देख सकते हो सीट्स कवर की जो कंडीशन है, और कार की जो कंडीशन है बहुत ही ऑसम कंडीशन में रखा हुआ है कार, जिसने भी यूज़ किया है। और सनप्रूफ मिल रहा है आपको इसके अंदर, आप देख सकते हो गाइज, और इसके अंदर डबल AC बैक साइड का AC का और एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और गाड़ी की जो कंडीशन है ऑसम कंडीशन में है। तो गाइज जानते हैं पूरा डिटेल, तो भाई इसका डिटेल क्या है? इसका डिटेल ये है, 2014 की है, सनरूफ पुश बटन स्टार्ट है, और स्टीयरिंग कंट्रोल है, AC टच पे है। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा फिटिंग क्या किया हुआ है आपने? एक्स्ट्रा फिटिंग ये है, लाइट्स वगैरह जो है ना, हाँ, 150,000 की लाइट एक्स्ट्रा फिटिंग, लाइट एक्स्ट्रा फिटिंग किया हुआ है, 150,000 का लाइट एक्स्ट्रा फिटिंग किया हुआ है। तो ये कितना किलोमीटर चला है सर? ये चला हुआ है किलोमीटर 48,000 सर्विस रिकॉर्ड के साथ, 48,000 सर्विस रिकॉर्ड के साथ। और ऑनर कितना है सर? ये ऑनर फर्स्ट है, फर्स्ट ऑनर है, तो ये फर्स्ट ऑनर है, 48,000 किलोमीटर चला है। तो इसका आपने प्राइस डिमांड क्या रखा हुआ है? इसका प्राइस डिमांड ये रखा हुआ है 7.5, तो प्राइस नेगोशिएबल है, प्राइस नेगोशिएबल है। और फाइनेंस फैसिलिटी भी, फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। तो गाइस 5.7 रखा हुआ है प्राइस, फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। और आपको बाकी तो जेन्युइन रिकॉर्ड के साथ आपको जो जो डिटेल था वो बता दिया है, इसके अंदर एक्स्ट्रा फिटिंग किया हुआ है,
जो कि 1.5 लाख रुपए का किया हुआ है, और सनरूफ भी है, आप देख सकते हो सनरूफ, आपको पहले ही बताया सनरूफ भी इसके अंदर सनरूफ दिया हुआ है, और गाड़ी के टायर की कंडीशन भी अच्छी है, आप देख सकते हो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों दिखा दो, दोनों की कंडीशन आपको अच्छी देखने मिल रही है। तो गाइज अगर किसी को इंटरेस्ट रहे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में नंबर उनका एड्रेस दिया है, इनको डायरेक्ट जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो गाइज ये मारुति सुजुकी ब्रेजा और सबसे टॉप मॉडल में है ये, आपको ZDI प्लस मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको पोर्शन कंडीशन बता दूँ, पहले कंडीशन बता दूँगा तो आपको पता चल जाएगा कंडीशन क्या है। टायर्स देखिए, आप टायर्स देख सकते हो, टायर्स फुली कंडीशन में है। आपको साइड पोर्शन बता दूँ, साइड पोर्शन के साथ साथ आपको बैक पोर्शन भी बता दूँ। तो ये ZDI प्लस डीजल है, डीजल मॉडल है। आपको मैं इंटीरियर भी बता दूँ, इंटीरियर की कंडीशन क्या है, इंटीरियर की कंडीशन देख सकते हो गाइस, आपको इंटीरियर कंडीशन देखने मिल रही है, बहुत ही औसम कंडीशन में है। जो कंपनी से लगा हुआ है फिटेड, वही आपको यहाँ पे मिल रहा है, टच डिस्प्ले मिल रहा है आपको, और साथ ही साथ आपको बैक पोर्शन भी बता दूँ, बैक पोर्शन आप देख सकते हो, बैक पोर्शन भी देख सकते हो, तो बैक पोर्शन दिखा रहा हूँ आपको, बैक पोर्शन में आपको पता चल जाएगा गाड़ी की कंडीशन क्या है। जो कंपनी फिटेड मिला हुआ है वही यूज़ किया है, कोई अदर्स नहीं यूज़ किया है। और इसके बाद आपको दिखा दूँ इंजन की कंडीशन, तो आपको इसमें पता चल जाएगा इंजन की कंडीशन क्या है। तो आप देख सकते हो इंजन की कंडीशन आपको देखने मिल रही है, इंजन की कंडीशन आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको जो नहीं दिखाया उसके लिए सॉरी, जो दिखा नहीं पाया मैं उसमें भूल गया रहूँगा, पर इंजन की कंडीशन सील टू सील्ड है, आप देख सकते हो। तो गाइस जानते हैं इसका पूरा डिटेल। सर ये ब्रेजा है ZDI प्लस बिल्ड ऑन, इसका इंश्योरेंस 0 डेट इंश्योरेंस है, दिसंबर 20 तक वैलिड है, कंपनी मेंटेन है, कंपनी वारंटी में। और तो इसका कभी का मॉडल है ये 2017 का। तो इसका फाइनेंस अवेलेबल है? अवेलेबल है। और इसका प्राइस डिमांड क्या रखा है आपने? प्राइस डिमांड रखा है 9.25,000। 9.725,000 और प्राइस नेगोशिएबल है, फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी। तो गाइस 9.725 रखा हुआ है प्राइस, और प्राइस नेगोशिएबल है, साथ ही साथ आपको इसके अंदर फाइनेंस फैसिलिटी भी मिल रही है, अगर किसी को इंटरेस्ट रहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके। तो गाइस ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।